हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम टिश्यू सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं सेल्स यूनाइट होकर टिश्यूज बनाती है और आज बताएंगे कि कैसे टिश्यूज यूनाइट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों देखिए डिटेल में पढ़ेंगे बताया गया कि इन हायर प्लांट्स सेवरल टिश्यूज जो कि सेम ओरिजिन के हों वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन सच टिश्यूज फॉर्म ए सिस्टम वर् एंड दिस सिस्टम इज नॉन एज टिश्यू सिस्टम क्लियर है बच्चों चलिए आगे देखते हैं जो टिश्यू सिस्टम है इसको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर पोजीशन मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक साइंटिस्ट है बच्चों वॉन जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने थ्री ग्रुप्स में थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है कौन-कौन सी है बच्चों नंबर वन इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम नंबर 2 ग्राउंडेड टिश्यू सिस्टम एंड नंबर थ्री वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम दैट मींस टीटीएस जीटीएस एंड वीटीएस बच्चों ध्यान देंगे ईच सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ टिश्यूज व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस अब देखेंगे बच्चों आगे डिटेल में कि सबसे पहले पढ़ते हैं इपिडोमल टीसो सिस्टम इपिडमल टीसो सिस्टम इंक्लूड्स इपिडोमिस एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी जैसे कि रूट रूटियर्स जैसे कि ट्राइकॉन्स जिन्हें बोलते हैं स्टेम स्टेमियस या फिर सूटियर्स और स्टोमेटा एक्सेट्रा को हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर देखिए बच्चों यहाँ पर दो स्टोमेटा या फिर दो स्टोमेटल अपरेटस के डायग्राम दिखाए गए हैं पहले अपन पढ़ते हैं स्टोमेटा विद बीन गार्ड सेल्स एंड नंबर टू इस्टोमेटा गार्ड सेल्स जो बच्चों ये गार्ड सेल जहां पर बीन सेव पाई जाती है ये मिलता है बच्चों डाइकोट्स के अंदर ट प्लांट के अंदर और बच्चों जहां पर गार्ड सेल डंबल सेप की होती है ये मिलता है मोनोकोर्स के अंदर मोनोकोट के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने बच्चों एग्जाम में बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे वीट मेज राइस बार्ले सोरघम ज्वार जो होती है सुगर केन उनके अंदर डंबल सेप गार्ड सेल पाई जाती हैं क्लियरली याद रखना बच्चों वीट मेज राइस बार्ले सोरघम ज्वार जिसको बोलते हैं सुगर केन के अंदर गार्ड सेल कैसी होती है बच्चों डंबल सेप होती है देखिए यहां पर मैंने बताया कि डाइकोट के अंदर किडनी या बीन सेपी गार्ड सेल्स पाई जाती है ये देखिए गार्ड सेल कैसी है बच्चों गार्ड सेल बीन सेप्ड है या फिर कहें कैसी है किडनी के जैसी है नेक्स्ट इधर डंबल सेप्ड गार्ड सेल देखते हैं बच्चों ये देखिए यहां पर कैसी है गार्ड सेल्स डंबल के जैसी है अब इसके लेवलिंग को समझते हैं देखिए यहां पर दिखाया गया सबसे बाहर की तरफ इपीटर्मल सेल्स है दीज आर दीटर्मल सेल्स इसके अंदर के साइड होती है बच्चों सब्सिडरी सेल्स ये सब्सिडरी सेल्स है बच्चों और बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे इसके अंदर की साइड क्या मिलता है गार्ड सेल्स क्या मिलता है बच्चों गार्ड सेल्स जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर आप ध्यान देंगे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है दीज आर द क्लूरोप्लास्ट

बेटा इन सबको मिलाकर बोला जाता है स्टोमेटल एपरेटस

एंड ग्लेंस आर मेडअप ऑफ सेवन लेर ऑफ सेल्स बहुत सारे लेर ऑफ सेल्स की बनी हो सकती है बच्चों इंपोर्टें पॉइंट जिसमें मैंने डिस्स किया है यह है नोट कर लिखा हुआ है कि ट्राइकॉम्स आर यूजअली मल्टी सेलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इनका काम क्या होता है यह फंक्शन क्या करती है द ट्राइकॉम्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लोस प्लान को डायरेक्शन लाइक से बचाती है बच्चों ट्रांसफमेशन से जो वाटर लोस हो रहा है उसको कंट्रोल करने में प्लांट की हेल्प करते हैं ट्राइकोम्स नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों रूट हेयर की और जो रूट हेयर होते हैं एज यू नो इट वेरी वेल के रूट के अंदर कौन से जोन में पाए जाते हैं बच्चों मेचुरेशन जोन में पाए जाते हैं काम क्या करते हैं मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्शन करते हैं बच्चों रूट हेयर ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ इपिटर्मल सेल्स

ट द लॉस ऑफ वाटर ये भी ट्रांसपेरेशन से वाटर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो वैक्सी ये वाटर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स समाज हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी बचो ये एब्सेंट होता है रूट्स के अंदर क्योंकि ट्रांसपेरेशन होगा नहीं वाटर लॉस होता नहीं तो इसलिए वहां पर यह एब्सेंट पाया जाता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है ना बचो तो यहां देखेंगे कैसे

के अंदर, किसको को. देंगे, इसको हम लिफ में डिटेल में बताएंगे तो. Next, क्या बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इसको बोला जाता है नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल टिशू सच एज क्या क्या पेरन कालन का ऐसा कौन सा टिश्यू सिस्टम है जिसके अंदर पेरन कायमा कोलन का तीनों तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं कौन सा बच्चों जी टी एस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट इसके मेन फंक्शन क्या है बच्चों मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज करता किसका फूड फंक्शन है बच्चों ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता क्या ये एक एडिशनल फंक्शन है नेक्स्ट थर्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बताया गया है इट इज एज स्पेसिफिक टिशो सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन करता है कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर होता है कंडक्शन ऑफ फूड होता है इसी के थ्रू एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे हालांकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट ऑर्गन इज मेनली कंपोस्ट ऑफ पेरनकाइमा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो प्लांट के अंदर प्राइमरी ऑर्गन जो बने होते हैं प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो मेनली किसी बनी होती है पेरन की बनी होगी बच्चों

यानी पित्त की साइड बनता है कौन प्रोटोजाइलम ध्यान देना बच्चों यही पर ही पूरा एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही समझ में आ जाएगा बच्चों देखिए सेंटर के साइड पित्त की साइड प्रोटोजाइलम है एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इट मींस टुवर्ड द इट मीन टूअर द पेरीसाइकिल पेरीफ्री की साइड ही पेरीसाइकिल होता है सेंटर में जैसे कि हम पिथ फिर बताया था बच्चों को मेडोर रेस साइड थे होती है तो मैंने उसकी रिगार्डिंग में बोला पेरीफ्री की साइड या फिर पेरीसाइकिल की साइड बने मेटा जाइलम की जो वेसल्स होती है थोड़ी सी बड़े साइज की होती बच्चों बता चुके हैं आप लोगों को ऐसे डेवलपमेंट के अंदर देखिए इन दिस टाइप इन दिस कंडीशन जाइलम इज नोन एज एंडार्क ऐसी कंडीशन में एंडार्क बोला जाएगा एंडार्क बोला जाएगा बच्चों

सेंटर है बच्चों इधर सेंटर है और जिधर फ्लोएम है उधर पेरीफ्री है या फिर कह देखे पेरी साइकिल है पेरीफ्री इधर ये वाला पोर्शन दिखाएगा देखिए ध्यान से ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों ये है प्रोटोजाइलम क्या है बच्चों प्रोटोजाइलम और ये क्या है बच्चों मेटाजाइलम है ये मेटाजाइलम है यहां वेसल्स थोड़ी छोटे साइज की हैं और यहां वेसल्स थोड़ी से बड़े साइज के तो बच्चों जो डेवलपमेंट हुआ है यहां पर ध्यान देंगे डेवलपमेंट प्रोटो से मेटा होता है

ज़ाइलम कैसा होगा बच्चों? एंड ज़ाइलम पाया जाएगा क्लियर हुआ अरे बोलो क्लियर चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों सेंट्री पीटल डेवलपमेंट की अभी हम पढ़े हैं सेंट्री फ्यूगल डेवलपमेंट अब बात करेंगे सेंट्री पीटल डेवलपमेंट की देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम इज फॉर्म टू द पेरी फ्री उसका उल्टा है बच्चों

सेंट्री फ्यूगल एज वेल एज एसट्री पीटल दोनों ही डेवलपमेंट जब एक जगह देखने को मिले ऐसी कंडीशन देखने बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्मड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोजाइलम दोनों साइड पाए जाए इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय द मेटाजाइलम मेटाजाइलम से सराउंडेड रहता है और ऐसी कंडीशन में जाइलम को क्या बोला जाता है मिसार्च और ये किसमें मिलता है बच्चों फॉर्न के राइजो में जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है क्या होता है बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके अंदर कंडीशन मिलती देखिए इसको ऐसे समझते हैं बच्चों सपोज दिस इज द प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम आगे डेवलप हुए मेटाजाइलम

और बच्चों जहां पर सेंट्री पीटल भी मिले सेंट्री फ्यूगल भी मिले दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिले वहां पर जाइलम को क्या बोला जाएगा मिजार्च बोला जाएगा ये एक स्टील का डायग्राम है बच्चों फंड की स्टील है इसके अंदर आप देखेंगे कि सपोज ये प्रोटोजाइलम है तो डेवलपमेंट पेरीफी की साइड भी हो रहा है और डेवलपमेंट सेंटर की साइड भी हो रहा है ये प्रोटोजाइलम है, है तो मेटाजाइलम बन रहे हैं तो बच्चों इसका मतलब हो गया दोनों साइड डेवलपमेंट सेंट्री पटल भी है और सेंट्री फ्यूगल भी है दोनों तरह का डेवलपमेंट है देन जाइलम इज मिजार्च और किसके अंदर मिलता है बच्चों फंड के राइजोम के अंदर जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों वैस्कुलर बंडल्स की वेस्कुलर बंडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए जाइलम एंड फ्लूम आर कलेक्टिवली टर्म एज वैस्कुलर बंडल्स कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उनको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं बच्चों विच मे और मे नोट है कैम्बियम कैम्बियम हो सकता है उनमें प्रेजेंट हो और हो सकता है कैम्बियम एबसेंट हो अभी हमने देखा था बच्चों देखिए डायग्रामेटिकली यहां पर यहां पर कैम्बियम दिखाई गई है जबकि यहां पर कैम्बियम नहीं है यानी एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलती है कैम्बियम पाई जाती है जबकि मोनोकोट्स के अंदर या फिर कहीं लीज के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है बच्चों इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं

यानी रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें तो किस मिलेगा रूट्स के अंदर पाया जाएगा रूट में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा रेडियल बंडल जबकि डाइकोट्स मोनोकोट्स सभी के अंदर सबके रूप में यानी रेडियल बंडल की बात करें तो किस में मिलेगा रूट्स के अंदर पाया जाएगा रूस में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा रेडियल वेस्कुलर बंडल जबकि किस में मोनोकोट्स मोनोकोटम सभी के अंदर फोन सबके रूप में कैसे बंडल रेडियल जबकि आप लोगों को याद रखना है कुछ एक्सेप्शन को भी हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों फिर भी एक बार देख लेते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से रेडिस केरट टर्निप बीट

इलम एनफ्लोयम ध्यान देंगे आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस एंड कंबाइन इनटू ए बंडल बेटा जहां

ट्रल एंड क्लोज प्रेजेंट इन मोनोकोट एंड लीव जबकि डायकोड स्टैंड बात करें या जिम्नोस्म स्टैंड की बात करें तोलेटल एंड ओपन वैसे मंडल पाए जाते हैं और यहां पर डेवलपमेंट देखें प्रोटोसे मेटा सेंट्री फ्यूगल डेवलपमेंट जायलम एंड प्रोटोको मेटाट्री फ्यूगल डेवलपमेंट जायलम एंड

उंडलर बंडलोलेटलो टू टाइप्स कौन कौन से है? एक और नाम है ना तो नाम है ना, तो दूसरा लेप्टोसेंट्रिकॉम

बाहर के साइड कौन दिखाया बच्चों फ्लोएम दिखाया गया है देखिए इसी को ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन वेस्कुलर बंडल्स इज बोथ एज सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट पढ़ चुके बच्चों बताया था कि दोनों साइड डेवलपमेंट सेंटर की साइड भी डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलता है एंड इन दिस टाइप ऑफ वैक्लर बड़ल प्रोटोजाइलम इज राउंडेड बाई मेटाजम एंड इन दिस कंडीशन इज नोन एज मिस

यहाँ डाक मिलता है कहाँ पर पाया जाता है एग्जांपल है यक्का ड्रेस ही ना बड़ा इंपॉर्टें नाम है बड़ा जनरली एक्सेप्शन में देखने को आपको मिलेंगे यक्का ड्रेस ही ना बताओ कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं लिली एसी लिली एसी फैमिली में आए थे बच्चों ये लिली एसी फैमिली के बेबर है यक्का ड्रेस ना एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर देखने को मिलती है बच्चों ट्रा नेक्स्ट हम बात करें बच्चों अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए चार्ट, चार्ट फॉर्म में दिखाया गया बच्चों देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था बंडल में रेडियल बंडल और आर से रूट आर से रेडियल बंडल अलग अलग रेडियस पर होते हैं और जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेटिव मैनर में लगे रहते हैं बच्चों और ऐसी कंडीशन में जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर की साइड होता है प्रोटोमेटा इसलिए बोलते सेंट्रीपिटल और जाइलम इज वो लिखा हुआ है ये डायग्राम है

जिम्नोस्पम स्टेम की बात करें तो कौन ज्वाइंट कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते हैं और बच्चों यदि मोनोकोट की बात करें तो कैसे मिलेंगे कौन और कैसे मिलेंगे कोलेटरल और कैसे होंगे बच्चों क्लोज होंगे कौन ज्वाइंट एंड क्लोज क्योंकि यहाँ कैम्बियम नहीं होती किन में मोनोकोट के अंदर और लीफ के अंदर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी नेक्स्ट

ध्यान देंगे सिर्फ ट्यूब के अंदर लिग्निफाइड वॉल्स नहीं पाई जाती जबकि वेसल्स के अंदर लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है प्रेजेंट होती है यहां नहीं मिलता लिग्निफिकेशन यहाँ लिग्निफिकेशन पाया जाता है नेक्स्ट बॉर्डर पिट बता चुके हैं बच्चों जब आप लोगों को मेटाजाइलम बनाया था उस टाइम भी बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ में छोटी पर जो होती है वो बताया था बच्चों बॉर्डर पिट अकर्स इन मेटाजाइलम आगे सिर्फ ट्यूब्स आर आइडियल फॉर न्यूक्रियन ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव ब्रॉड ल्यूमेन विद लिटिल पेरिफल साइटोप्लाज्म बताया था ना साइड हो जाता है अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स दैट मींस बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ

कॉम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लोस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन बता चुके हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों आगे हम बात करेंगे स्टील की बच्चों स्टील इंपोर्टेंट है ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है बट एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्ट है उन्हें कर लेते हैं स्टील नंबर वन ऑल द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन साइड द एंडोडर्मिस द स्टील जो भी सारे टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं बनाते हैं स्टील बताते फॉर्मेशन करते हैं बट याद रहे एंडोडर्मिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील एंडोडर्मिस इंक्लूड नहीं करना है एक्सक्लूडिंग एंडोडर्मिस अंदर जितना भी मटेरियल जितना भी टिश्यूज है आर नोन एज स्टील क्या बोलते हैं उनको स्टील बोला जाता है क्या, क्या आएगा उसके अंदर पेरीसाइकिल वेस्लर बंडल मेडुलरी रेज यानी रेस और मेडुला या पिथ उसके अंदर इंक्लूड होता है बच्चों ध्यान देंगे आगे द स्टील इज द होल सेंट्रल मास ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज उट सराउंडेड बाय द और बहुत सारे ऐसे भी होते जहां, पित नहीं भी पाया जाता आ, ये जरूर याद रखना है ऑल द टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस एक्सक्लूडिंग दे आर नोन एज स्टील नेक्स्ट बच्चों स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस बट वही पॉइंट एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ वोट इट इज द पार्ट ऑफ स्टील डायग्राम देखिए बच्चों डायग्राम में दिखाया गया सबसे बच्चों